नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों के काफ़ी टाइम से ये सवाल था कि मैम एक वीडियो बनाएं कि लड्डू गोपाल जी कैसे बने या लड्डू गोपाल जी की पूजा होनी कैसे शुरू हुई, लड्डू गोपाल जी कौन है। तो ये तो मैं आप लोगों को बताती आ ही रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण ही है, इसका तो आप लोगों को पता लग ही गया। लेकिन लड्डू गोपाल जी का प्राकट्य कैसे हुआ, आज उसी पर ये वीडियो बनेगी। ये आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी की जो कथा है कि वो कैसे प्रकट हुए, उनकी पूजा उस रूप में कैसे होनी शुरू हुई। तो बहुत समय पहले की बात है कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभनदास, और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। तो जो कुंभनदास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे, और वो उनके पास जो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था वो था बांसुरी बजाने वाला। वो विग्रह में जो कान्हा जी हैं वो बांसुरी बजाते थे, वो उनकी पूरी भक्ति में लीन रहते थे, दिन रात उनकी सेवा करते रहते थे। तो उन्हें कहीं जाना भी पड़ता था तो वो नहीं जाते थे, कोशिश करते थे कि ना जाएं, क्योंकि जो कन्हैया जी की सेवा में कोई विघ्न ना पड़े। तो एक दिन उन्हें भागवत कथा करने का न्योता आया वृंदावन से, उन्हें लोग बोलने आए कि आपको जो कन्हैया जी की है भागवत कथा करनी है। तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी आग्रह किया। उसके बाद जो कुंभनदास जी हैं वो मान गए। उन्होंने सोचा कि पास में ही तो गांव है, सुबह जाऊँगा और शाम को अपने घर में लौटकर आ जाऊँगा। तो जैसे ही अगले दिन उन्होंने जाने की तैयारी की, वो ठाकुर जी को रोज़ लड्डू का भोग लगाते थे, तो उन्होंने लड्डू बनाए और अपने पुत्र रघुनंदन से कहा कि मैं जा रहा हूँ और शाम तक मैं आ जाऊँगा, और तुमने क्या करना है कि जो कन्हैया जी है इन्हें तुम्हें लड्डू का भोग लगा देना है। तो कुंभनदास जी तो चले गए, तो पीछे रह गए रघुनंदन। तो रघुनंदन ने जैसे भोग लगाने का समय हुआ, लड्डुओं की थाली थी तो उन्होंने कन्हैया जी के आगे रख दी कि आओ कन्हैया जी भोग लगाओ, क्योंकि वो तो बच्चे थे जो रघुनंदन है। उन्होंने सोचा कि सच में ही जो हमारे ठाकुर जी या कन्हैया जी आएंगे और भोग लगाएंगे। तो रघुनंदन ने कहा कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, लेकिन ठाकुर जी भोग लगाने के लिए नहीं आए। लेकिन उसे बड़ा वो हुआ कि ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या मेरे हाथों से खाना नहीं चाह रहे हैं। वो बच्चे थे तो जोर जोर से रोने लगे, उनके रोने में इतनी वेदना थी, इतनी वेदना थी कि भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में उस भोग को स्वीकार करने के लिए आना पड़ा। तो शाम को कुंभनदास जी अपने घर आते हैं और अपने पुत्र रघुनंदन से बोलते हैं कि लाओ भाई प्रसाद दो मुझे। तो रघुनंदन ने कहा कि वो प्रसाद तो ठाकुर जी ने सारा खा लिया, कन्हैया जी ने सारा खा लिया। तो उन्होंने सोचा कि बच्चा है, चलो खुद खा लिया होगा, झूठ बोल रहा होगा। तो लेकिन ये तो रोजाना ही यही होने लगा। वो शाम को आते और भोग मांगते तो कहते ठाकुर जी ने खा लिया। तो कुंभनदास जी ने सोचा कि ये बच्चा इतना झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर क्या कारण है कि ये झूठ बोल रहा है, तो आज तो मैं इसे छिप कर देखूंगा। तो जैसे ही भोग लगाने का समय हुआ और रघुनंदन ने भोग लगाया कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, तो जो कुंभनदास जी है वो छिप कर तो देख ही रहे थे। तो इतने में जो हमारे कन्हैया जी है बाल रूप में आए और वो लड्डू खाने लगे। जैसे ही उन्होंने लड्डू उठाया, उनके एक हाथ में लड्डू था वो मुंह की तरफ जा रहा था और एक दूसरे हाथ में भी लड्डू था। तो जैसे ही उनका एक हाथ लड्डू वाला मुंह की तरफ जाना लगा, तो उन्हें लड्डू खाते हुए देख कर कुंभनदास जी हैं जो छिपे हुए थे वो बाहर निकल कर आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, विनती करने लगे और रोने लगे। तो जैसे ही कुंभनदास जी बाहर निकल कर आए तो ठाकुर जी वहीं पर जड़ हो गए, यानी कि वहीं पर स्थिर हो गए। तो उसके बाद से इसी रूप में कन्हैया जी की पूजा की जाने लगी, जिसे लड्डू गोपाल का नाम दिया। तो आज मैंने आपको बता ही दिया कि लड्डू गोपाल जी कैसे प्रकट हुए या लड्डू गोपाल जी कौन है। लेकिन इस कथा से हमें ये भी पता चलता है कि जो सबसे ऊपर होते हैं वो भाव ही होते हैं। तो हमारे भाव इतने अच्छे होने चाहिए, या हमारा अगर हम ठाकुर जी के लिए रोते हैं तो उसमें इतनी वेदना होनी चाहिए कि ठाकुर जी को हमारे लिए आना ही पड़े। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की कथा जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, बताते रहें आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।